नमस्कार, बाप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेक्स एजुकेशन संबंधी बयान पर सियासी घमासान। मुख्यमंत्री की बात सुनकर भाजपा एमएलसी निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी। नीतीश ने मांगी माफी, कहा खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। बिहार में 75% आरक्षण करने की तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में रखा आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव। बिहार विधानमंडल के चालू सत्र के दौरान इस पर सदन में विधेयक लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कराएगी जनमत संग्रह। पूछेगी सवाल, ईडी द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राजस्थान के नागौर में एक रथ यात्रा कर रहे थे। रथ का ऊपरी हिस्सा बिजली के तार की चपेट में आ गया। रथ गुजरते ही तार टूटकर सड़क पर गिर गया, बाल बाल बचे अमित शाह। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। दमोह, गुना और मुरैना में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे चुनाव सभा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा, क्या प्रधानमंत्री होने का मतलब तानाशाह होना है? मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के बारे में बात करने का क्या मतलब है? दिल्ली के आनंद विहार का मंगलवार रात करीब 10 बजे AQI 999 पर पहुंच गया, जो कि बेहद खतरनाक स्तर है। हालांकि आज सुबह यह घटकर 452 पर पहुंच गया। दिल्ली NCR का वायु गुणवत्ता सूचकांक अगले 2 दिन गंभीर श्रेणी में ही रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऑड इवन कार योजना पर सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए तत्काल बैठक बुलाई। ग्लेन मैक्सवेल ने लंगड़ाते हुए जड़ा दोहरा शतक, ऑस्ट्रेलिया को अकेले ही सेमीफाइनल में ले गए। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार छठी जीत। ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया विश्व कप 2023 का पहला दोहरा शतक, रनों का पीछा करते हुए अब तक की सर्वश्रेष्ठ पारी। पैंट कमिंस के बीच 8वें विकेट के लिए 202 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।